आज आपको कक्षा 11वीं इतिहास अध्याय 2 मेसोपोटामिया लेखन कला और शहरी जीवन के बारे में पढ़ा चुका हूँ और इसके आगे शहरीकरण के लिए आवश्यक कारण कौन कौन से होते हैं और शहरीकरण का सूत्रपात इससे अनेक शहरों का विकास कैसे होता है, उसके लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, शहर का विकास, उसका सौंदर्यीकरण और रहन सहन कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। काशकालीन सभ्यताओं के दौरान शहरीकरण का सूत्रपात हुआ, इससे अनेक शहरों का विकास हुआ। मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का उद्भव काश युग अर्थात 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। इस शहरीकरण के उद्भव में किन कारकों की भूमिका रही जिससे शहरों या कस्बों का विकास हुआ, यह जानना आवश्यक है। शहरीकरण के लिए केवल प्राकृतिक उर्वरता और खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर ही मूल कारक कदापि नहीं हो सकता। शहरीकरण के विभिन्न कारकों की भूमिका होती है, जैसे उच्च उत्पादक खेती, उद्योगों का विकास, उन्नत व्यापार, लेखन कला का विकास, श्रम विभाजन और कुशल परिवहन व्यवस्था। नंबर 1, उच्च उत्पादक खेती। शहरीकरण की प्रक्रिया एक दीर्घकालीन जटिल प्रक्रिया प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही शहरीकरण के कारक थे। यदि इतिहास के क्रमिक विकास पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि समाज में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण की प्रक्रिया उसी समय अस्तित्व में आना प्रारंभ हुई होगी जब गांव के लोगों ने खाद्य पदार्थों का उत्पादन प्राकृतिक उर्वरता के कारण अपनी आवश्यकता से अधिक करना प्रारंभ कर दिया होगा। प्रारंभ में तो सभी लोग कृषि विकास में लगे होंगे, लेकिन अतिरिक्त उर्वरता के कारण कुछ लोग अन्य कार्यों को भी करने लगे होंगे। इस प्रकार शहरीकरण की दिशा में पहला कदम प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन का उच्च स्तर ही रहा होगा। यह भी निर्वाद है कि शहरीकरण तभी संभव हो सकता है जब खेती में इतना उत्पादन होता हो जिससे शहर में रहने वाले की पूर्ति हो सके। अतः यह कहा जा सकता है जहाँ शहर का विकास होता है वहाँ की भूमि का उपजाऊ होना आवश्यक है। मेसोपोटामिया का शहर के रूप में विकसित होना इसी का परिणाम है। 2, उद्योगों का विकास। प्राचीन काल में उद्योगों का विकास शहरीकरण के लिए एक आवश्यक शर्त थी। विभिन्न प्रकार के उद्योग केवल शहरों में रहने वाले लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते थे, बल्कि विभिन्न प्रकार के मजदूरों एवं कारीगरों की आजीविका का साधन बनते हैं। वस्तुत शहरी जीवन में लोगों का एक साथ बसना तभी संभव है जब बड़ी संख्या में लोग कृषि कार्यों के अलावा अन्य कार्य उत्पादन कार्य में संलग्न हो। मेसोपोटामिया का शहर के रूप में विकसित होना इसी का प्रमाण है। 3, उन्नत व्यापार। उन्नत व्यापार भी शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। व्यापार के माध्यम से ही गाँव में उपलब्ध कच्चा माल खाद्यान्न शहरों में पहुँचता है और शहरों में तैयार होने वाला माल सामग्री गाँव में पहुँचता है। यद्यपि मेसोपोटामिया खदान संसाधन बहुतायत में उपलब्ध थे, लेकिन वहाँ पर खनिज संसाधन जैसे धातु और पत्थर का अभाव था। दक्षिण मेसोपोटामिया में औजार, मोहरे, आभूषण और पाट आदि बनाने के लिए कोई धातु उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त गाड़ियों के पहिए और नाव आदि बनाने के लिए अच्छी लकड़ी का अभाव था। ये सारी वस्तुएँ द्वारा ही प्राप्त हो सकती थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के लोग अच्छी लकड़ी, तांबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थर आदि तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से आयात करते थे। इसके एवज में
वे लोग मेसोपोटामिया से कपड़ा और किसी संबंधी विभिन्न उत्पाद बड़ी मात्रा में विभिन्न देशों को निर्यात करते थे। इन वस्तुओं के आयात निर्यात के आयात निर्यात से व्यापारी संगठनों का गठन हुआ, जिसके कारण शहरीकरण का विकास हुआ। लेखन कला का विकास, लेखन कला का विकास, शहरीकरण के विकास के लिए लेखन कला की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हिसाब किताब की व्यवस्था के बगैर किसी भी प्रकार के व्यापार की प्रगति संभव नहीं। निस्संदेह मेसोपोटामिया में शहर के विकास के उदय में लेखन कला के विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास की चर्चा अवश्य आगे करेंगे। पांचवा, श्रम विभाजन। शहरीकरण के लिए सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था भी अति आवश्यक होती है। शहरों में व्यापार की प्रगति के लिए और सुरक्षा की स्थापना कुशल प्रशासन द्वारा ही संभव है। काश युग में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के उत्पादन मुख्य रूप से शासक वर्ग पर ही निर्भर होते थे। शासक वर्ग केवल कानून और व्यवस्था का संचालन नहीं करते थे, अपितु सामाजिक व्यवस्था को श्रम विभाजन के माध्यम से नियंत्रित करते थे। इसके परिणामस्वरूप शासक वर्ग की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि होने लगी। श्रम विभाजन ने ही शहरीकरण की गति को बल प्रदान किया। शहर में लोगों का एक स्थान पर बसना तभी संभव हो पाता है जब अनेक लोग विधित रोजगार जैसे धातु कर्म, मोहर, नक्शाकशी, प्रशासन, मंदिर सेवा आदि कार्य में लगे हुए हों। इस परिक्षेप में शहरीकरण में सामाजिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है। शहर के निर्माताओं से प्राप्त करना असंभव होता है। इसी प्रकार कोई एक व्यक्ति सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में परंपरागत नहीं हो सकता। अतः ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन महत्वपूर्ण योगदान होता है। यही कारण है कि मेसोपोटामिया का शहरीकरण हुआ। वहाँ कुशल व शक्तिशाली शासकों का उदय हुआ और श्रम विभाजन के परिवहन व्यवस्था। कुशल परिवहन व्यवस्था शहरी विकास के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक काल में सामान ढोने वाले पशुओं की पीठ पर लादकर अथवा बैलगाड़ियों में भरकर कृषि उत्पादों या अन्य सामान को ले जाना एक जटिल कार्य था, क्योंकि इन माध्यमों से परिवहन में समय अधिक लगता था तथा खर्चा भी अधिक आता था। इसकी अपेक्षाकृत कांस्यकालीन सभ्यताओं में जल परिवहन माल के आवागमन का एक सस्ता एवं सुरक्षित साधन था। खदान एवं अन्य सामानों नावों में भरकर जल मार्ग से भेजा जाता था। सामान से भरी नाव नदी की धारा और वायु वेग के साथ चलती थी। इसमें कोई अतिरिक्त व्यय भी नहीं होता था। प्राचीन मेसोपोटामिया की नहरें तथा प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच सामान के परिवहन का अच्छा साधन थी। उन दिनों मेसोपोटामिया की फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग का कार्य करती थी। यही कारण था कि कुशल परिवहन मेसोपोटामिया में प्रारंभिक शहरीकरण के विकास का महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुई। बच्चों, मेसोपोटामिया का विकास, आदिमानव का विकास, शहरीकरण, ये कैसे होता है, इसके कारण कौन कौन से होते हैं, इसके कारक कौन कौन से होते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। इस पाठ का आप लोग अच्छे से अध्ययन करिए। जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, उसको अच्छे से हल करिए। और कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से संपर्क करें, मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा।